Okay, so hi guys, welcome you all on Cine Speaks. How you guys are doing? All We're good. doing good. How are you, Parva? Yeah, I'm good. That's interesting. What does that mean, Parva? It means festival, all the festivals. Parv, Parva. Parv means festival. So, Nice. first of all, congratulations for your web series, Who's Your Daddy Season 2. It's going great. Thank you so much. And Thank you it's streaming from 22nd December, right? On in all Yeah. premium. Please, everybody, watch the series and enjoy. Not with your family, alone, right? No, you can watch it with the family. Okay, we can watch it with your family. Okay, you can. Complete family drama, guys. Trust me, you can watch it with your nanny, daddy, anyone. It's a beautiful thing. Okay. My bad, my mistake. You can watch it with your family. Sorry. Yeah. Okay, so how was your experience shooting for the series? It was nice, yeah. क्योंकि when you are shooting with content creators ना, they content creators इतने creative होते हैं ना, उनको पता है कि क्या creative input डालना है हमें during acting. तो अनुष्का भी इतनी अच्छी creator है, समीक्षा भी इतनी अच्छी creator है, और मैं भी ठीक ठाक create कर लेता हूँ, तो अच्छा, हम मचाते थे सेट पे. नहीं, मैं वांट्स सर, प्लीज ऐड योर पॉइंट. हाउ वाज योर अरे एक्सपीरियंस? डेफिनेटली यार, सुशा सुशा वाज डेफिनेटली अ ड्राइविंग फोर्स, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द स्टोरी बट बिकॉज ऑफ भाविन हिमसेल्फ. डेफिनेटली. सो हाँ यार, जैसे कि उसने बोला कंटेंट क्रिएटर्स वाली चीज, और हम सब लोग अलग अलग कम्युनिटी से आए हुए थे. एज इन बट आई कम फ्रॉम यूट्यूब कम्युनिटी, ही वाज वर्किंग इन अ डिफरेंट गैलरी. क्या कम्युनिस्ट करेगा मैं क्या? तो तेरी ये कमिटी. जात पात धर्म ये सबसे अब बहुत दूर है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब एक है. नो, व्हाट आई एम सेइंग इज वी केम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, वी हैव नेवर वर्कड टुगेदर. मतलब समीक्षा और भाविन की बात की जाए तो दे वर्क एज अ भाविश का ना, तो आई वाज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ऑफ कोर्स, नो ऑफ कोर्स, यू आर यूट्यूबर. मैंने वीडियोस भी देखे हैं आप लोगों के यूट्यूब पे भी, और भाविन और समीक्षा के तो तीसरी इंस्टाग्राम पे चलते ही रहते हैं, टिकटॉक्स पे ऑफ कोर्स. और गाना देखो यार, भी बिल्कुल. है. ओके, तो हाय समीक्षा, हाउ आर यू? हेलो, आई एम गुड, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप दोनों बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही हैं. एंड सिंस मैं लड़का हूं, तो मैं नहीं पूछ सकता भाविन को, क्योंकि ऑफ कोर्स भाविन भी अच्छा दिख रहा है, बट मैं थोड़ा ऐसा लड़कियों पे ज्यादा नहीं. भाविन, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, मैं बोल देती हूँ. भाविन भाविन बहुत दिखा ओके. और मैं भी बोल देता हूँ, मैं यार बोलने की जरूरत नहीं है इन खूबसूरत लड़कियों को, लेकिन हाँ क्योंकि सब कह ओ, ही रहे हैं ये तो भाविन ने मैं भी फाइनल सोच सीन मार दिया. रहा हूँ. ये तुम्हारे शो पे मुझे पहली बार इसने कॉम्प्लीमेंट किया, लड़के ने लाइफ में. हाँ चलो ना, ठीक है, ये हाथ में क्या होता है? ये अच्छा, मेंशन कर और दे, दो और मेरे दो हाथ ये में लगी हुई है यार. गरम. ओ अच्छा, वो अब तक चल रहा है वो? यार, अरे नहीं, मेरा हाथ में दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है यार, बढ़ता ही जा रहा है. मुझे डॉक्टर को फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा दिखाना लो, पड़ेगा लग रहा है. डॉक्टर को दिखा हाँ लो. आप भाई भाई, प्लीज टेक केयर. हाँ समीक्षा, ख्याल रखो. हाँ ये पूछो तो लड़की ने समीक्षा मुझे कबड्डी में को. गिरा दिया था, ये लड़की ने. अच्छा, ओ ये मैं वही पूछ रही हूँ, तो क्यों लगी है चोट? वो कम्युनिटी अलग अलग है, इसीलिए हुआ क्या ये? आप शायद यूट्यूब पे. नहीं, वो मेरी मेरी बेवकूफी है कि हम सच में एक्टिंग को कभी कभी सच समझ लेते हैं और सच में गिर जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए. अच्छा, ये शूटिंग के समय हुआ? हाँ, शूटिंग के समय हुआ था. ओके. तो पहले तो आपका एक्सपीरियंस बता दीजिए समीक्षा, कैसा रहा? अच्छा, ये इन दोनों से पूछ चुके हो क्या आप? या पूछ चुका हूँ, आप थोड़े से लेट. ओहो ओहो, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया. अपना 6-7 डिग्री में जो हमने अमृतसर में शूट किया है, एक अलग एक्सपीरियंस था. और मुझे, मैंने ये डिसाइड कर लिया लाइफ में कि मैं अब दिसंबर और जनवरी के टाइम में मैं कभी ठंड में शूट नहीं करूंगी, बहुत बुरी हालत होती है. बट हाँ, कैरेक्टर बहुत अच्छा था. सुकून बिल्कुल मेरे जैसा कैरेक्टर है, सबकी जिंदगी में सुकून देने वाली लड़की है. बहुत मजा आया करके, पूरी टीम बहुत अच्छी थी, एकदम फैमिली बन गए हैं. और हाँ, मतलब बस बहुत मजा आया.
कितने दिन आप लोगों को लगे इसका शूट कंप्लीट करने में, पूरी वेब सीरीज का? 17 दिन 17 दिन जस्ट 17 डेज हाँ, जस्ट सिर्फ हमें 15 दिन के ही मिले हैं मेरा क्वेश्चन कि कैसा लगा 17 दिन इतनी दो खूबसूरत लड़कियों के साथ शूट करके? भाविन बोलेगा एक के साथ तो मैं करता ही रहता हूँ, दूसरे एक्सपीरियंस पूछो। नहीं नहीं बढ़िया था, बढ़िया था। समीक्षा के साथ तो मैं, समीक्षा के साथ तो मैं रहता ही हूँ, हम लोग मतलब 24 घंटे वाले फ्रेंड्स हैं। और लेकिन अनुष्का का भी नेचर बहुत अच्छा है, हम साथ में रूम में हमने बड़ी पार्टियां की हैं शूट के बाद। मुझे भाविन की वो चीज बहुत ज्यादा लगती है, जब इसके रूम से जाना होता है ना हम लोग यार कि आप थके हुए हैं ना यार, सीजन वन जो था इसका हूज योर डैडी का काफी हिट रहा था, मतलब काफी चर्चा में रहा था, लोगों ने काफी पसंद किया था। सो सीजन टू की शूटिंग करते समय क्या वो एक प्रेशर था क्या आप लोगों में कि यार सीजन वन की हीट को मैच कर पाएंगे कि नहीं सीजन टू में? हाँ यार प्रेशर तो था, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों का एक्सपेक्टेशन, क्योंकि इतना जल्दी सीजन टू आ रहा है इसका मतलब सीजन वन बहुत अच्छा चला होगा, तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना होता है। और लेकिन हमारा जो जॉनर है वो थोड़ा सा बहुत ही डिफरेंट है सीजन वन से, बहुत ही डिफरेंट है। तो यहाँ पे लोग आप सीजन वन और सीजन टू कंपेयर ही नहीं कर सकते, तो लोगों को बहुत मजा आने वाला है इस शो में। अनुष्का मेरा आपसे पहले तो ये सवाल है, क्या आपको भी विराट कोहली पसंद है सिंस यू आर अनुष्का शर्मा? अरे रे आप सिंस के मजाक आ गया था, मैं क्यों पूछ रहे? नहीं यार एज अ डेफिनेटली एज अ क्रिकेटर ही इज डूइंग वेल, आई मीन द काइंड ऑफ डेडिकेशन ही हैज फॉर हिज वर्क इज डेफिनेटली दैट्स समथिंग इंस्पायर्स मी, बट देयर इज नथिंग फैन काइंड ऑफ अ थिंग फॉर विराट कोहली। हमने इनका एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की थी हमने सेट पे विराट कोहली के साथ, तू तो साड़ी कह रही नहीं कर दा। ओके सो अनुष्का मैंने आप मतलब आपके जो पहले की वर्क्स थे जैसे कि फ्लेम्स हो गया और उसके पहले की, तो ये काम से वो वाला काम कैसे अलग था, मतलब क्या इसमें अलग फील हुआ ये काम करते समय या क्या अलग था इस काम में? Who's your daddy? बाकी सारे स्केड्यूल से या फिर बाकी सारे कैरेक्टर्स से किट्टू अपने आप में बहुत अलग कैरेक्टर है, लाइक जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके का सुकून कैरेक्टर है उस तरीके के मैं काफी ज्यादा पिछले लाइक 2 साल से सिमिलर कैरेक्टर्स प्ले कर रही थी, या फिर जिस तरीके से वो मेरी ओन जिस तरीके से मुझे कैरेक्टर्स में देखना चाह रही थी, बट फॉर माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट आई वॉज लुकिंग फॉर अ कैरेक्टर विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अनुष्का। तो किट्टू इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अनुष्का, एंड अगर मैं जब भी कोई स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि अपने कैरेक्टर के अलावा मुझे ना दूसरा एक कैरेक्टर होता है स्क्रिप्ट में जो बहुत एक्साइट करता है कि यार ये मुझे मिला होता ना, कई बार कैरेक्टर ऐसे होते हैं कि वो छोटे छोटे स्केड्यूल के होते हैं पर मैं फिर भी ट्राई ये तो इसको रैप करना है भाविन पर चीज है तो किट्टू पर वो भी मुझे बहुत एक्साइट कर जाते थे, बट किट्टू अगर मुझे कहा होता ना पिक करने के लिए तो किट्टू से कैरेक्टर जो मैं खुद से पिक करना चाहती हूँ। ओके टू गुड। हाँ मैं एक चीज भूल ही गया कि आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दो अगर हूज योर डैडी के बारे में सीजन 2 के बारे में, कोई भी थोड़ा सा एक ब्रीफ मिल जाए तो सही रहेगा ऑडियंस के लिए। समीक्षा Who's your daddy के बारे में, हमारे सीजन के बारे में? देखो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि थोड़ा हिंट दे देती हूँ कि ये लड़का जो है इसको पता नहीं है कि इसके डैडी कौन है, ठीक है? और बड़ी कंफ्यूजन है कि इसके डैडी मेरे डैडी निकलेंगे, मेरे डैडी इसके डैडी निकलेंगे, किसके डैडी निकलेंगे, कुछ पता नहीं है। और इसकी वजह से सबके रिलेशनशिप्स बर्बाद होने वाले, इसके और इसके, इसके और मेरे, उसके अनुष्का के और मेरे, सबके रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं और बर्बाद हो सकते हैं इसके ऊपर कि इसके डैडी कौन है। अच्छा, तो होल कंफ्यूजन इज दिस कि सुषा का डैडी कौन है। ओके फाइन। भाविन मेरा आपसे सवाल है कि आपने आपने डेब्यू किया था आयशा अ वर्चुअल गर्लफ्रेंड से, राइट? एक सीरीज नहीं किया? मेरा वेब डेब्यू था बब्बर का टब्बर। अच्छा बब्बर का टब्बर, ओके मैंने सर्च किया था।
आयशा में, आयशा में वर्चुअल गर्लफ्रेंड मेरा सेकंड था. ओके सो हाँ बट स्टिल मेरा सवाल वो वही वाला है ना भाविन जिसमें तूने किस किया था. What a lovely thing to remember. अरे पर पता है क्या है, पता है क्यों मुझे क्यों याद है मुझे, क्योंकि वो लोग जो है ना मुझे बार वो पहले जब वो आया होगा या फिर बाद में कुछ टाइम बाद उसके कट क्लिप्स भेजते रहते थे फैंस, ये देखो ये को भाविन क्या कर रहा है, देखो भाविन क्या कर रहा है. तो वो था वो हम तुम एंड देम में था, हम तुम एंड देम में था. ओके 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 सो भाविन मेरा क्वेश्चन वर्चुअल गर्लफ्रेंड से था, आयशा वर्चुअल गर्लफ्रेंड की. अब जो 9 महीने से हम वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो क्या उस सीरीज से आपको कुछ फायदा मिला अपनी वर्चुअल गर्लफ्रेंड को हैंडल करने में ये 9 महीने? एक तो मैं इतना अनफ्रेंडली हूँ ना ये टेक्नोलॉजी को लेके, और लेकिन आयशा मैं वर्चुअल जीएफ मैं हैकर था, और उसमें तो मैं जो भाषा बोलता था ना वो मुझे भी समझ नहीं आती थी. तो मैं लिटरली, मेरा एक ऐसा शो है वो जिसे मैं रट्टा डायलॉग रट्टा मारता, मैंने कभी मेरे डायलॉग में देखता भी नहीं हूँ, मैं बस एक बार देख लेता हूँ क्या स्क्रिप्ट है, वर्ड टू वर्ड कभी नहीं बोलता मैं, और जो मेरे मन में आता है उसके इर्द गिर्द. लेकिन आयशा में ऐसा नहीं कर पाता था मैं, उसमें टेक्निकल लैंग्वेज थी बहुत सारा, और वर्चुअल रियलिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेज थी. तो वो मैं रट्टा मारता था डायलॉग, और बस ऐसे एक्टिंग करता था कि मुझे सब पता है, और मैं बोल देता था मुझे कुछ समझ नहीं आया, इतने डायलॉग एक डायलॉग नहीं समझ आया मुझे आयशा का. पर सही है यार ये, मतलब इंटेलिजेंस और ये सब वो सब बहुत ही अलग. उसमें मैं हैकर था, मतलब ऐसा हैकर कि मैं कुछ भी हैक कर सकता हूँ, मतलब पुलिस वाले मुझसे हेल्प मांगने आ रहे हैं ऐसा. अच्छा मतलब तुम साइबर रैबिट X39 थे तुम? हाँ साइबर रैबिट X39, सारे साइबर रैबिट जैसे. तो मेरे 100 लोग मिल जाए तो भी मुझे ना हरा पाए ऐसा था मैं. मतलब खड़े खड़े मैं किसी का मोबाइल फोन भी मतलब ऑन कर सकता हूँ कि वो क्या देख रहा है वो मैं देख सकता हूँ. ये आपके एक्चुअल रियलिटी से बहुत डिफरेंट है, मतलब आप ऐसे नहीं. नहीं 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 मैं बहुत ही अनफ्रेंडली हूँ टेक्नोलॉजी को लेकर, बहुत ही अनफ्रेंडली हूँ मैं. मैं आज भी जूम कॉल ज्वाइन करने के लिए मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ता है. और मेरा ये था कि आपने दे दे प्यार दे में अजय देवगन के साथ काम किया, तब्बू मैम के साथ काम किया, तो क्या कैसे कोई एक ऐसी चीज जो आपको सीखने मिली और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, क्या ऐसा लगा, क्या फीलिंग थी वो? यार एक चीज ये सीखने मिली कि अजय सर ना इतने मेथड एक्टर हैं कि मैं उनका बेटा बना था उस शो में, तो मुझे एक्चुअली अपने बेटे की तरह रखते थे. हम साथ में हम रनिंग करते थे, हम साथ में टेबल टेनिस खेलते थे. अच्छा, बॉन फायर पे बैठते थे, हमने बहुत इतना टाइम स्पेंड किया साथ में. ही इज अ जेम पर्सन. और पता है हमें अजय सर हमें इंटेंस रोल में ज्यादा पसंद आते हैं जब वो इंटेंस रोल्स करते हैं, लेकिन उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी बढ़िया है. वो आपको मतलब मैं मानता हूँ कि जो गोलमाल सीरीज है उसमें जो कॉमेडी टाइमिंग है उसमें कहने के अजय सर का हाथ है. वो सबको बताते हैं कि यहाँ पे ये पंच मार, यहाँ पे इस टाइम पे ऐसे बोल. तो वो बहुत कुछ सिखाते थे मुझे. और तब्बू मैम तो इतनी स्वीट है, आई मिस हर हग यार. वो जब भी सेट पाती थी मुझे हग करती थी, और वो उस हग की मुझे बहुत याद आती है. तो कभी एक ग्रुप है जहाँ पे बातें बातें होती है, मिलेंगे कभी. ओके सो समीक्षा मेरा आपसे ये सवाल है कि पहले आपने फियर फाइल्स आपने किया है राइट? फियर फाइल्स यार क्या क्या याद है तुमको? ठीक है गूगल से इन्फॉर्मेशन उठा के ले आए हो, चलो ठीक है. हाँ नहीं देखो बालवीर वाला याद है, बालवीर में जो आपने काम किया है वो मुझे भी याद है, और बालवीर में आप कितनी सुंदर दिखी है. तो ये पहले फियर फाइल्स मतलब एकदम कुत्तों की तरफ आप चले गई, फिर आप बालवीर, फिर आप सीधा परियों की तरफ चले गई, तो ये शिफ्टिंग दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा आप लोग आपको किरदार लगा करने? फियर फाइल्स तो सिर्फ एक एपिसोडिक था, उसमें एक एपिसोड किया था मैंने जिसमें मतलब ऐसा सपोजिटली मुझे एक बारी मेरे अंदर भूत आ जाता है ऐसा था, और बहुत ही डिफिकल्ट एपिसोड था यार. उसमें वैसे ऊपर ऊपर लटका दिया तो मुझे ऐसे मेरे बाल बाल सब ऐसे उल्टा कर दिए थे, डिफिकल्ट सा था. बट हाँ और परी का देखा जाए तो जो मैंने बालवीर किया था वो तो मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, मैंने 4 साल किया है वो बालवीर शो. तो मैं बोलती थी मेरी गवर्नमेंट जॉब है, महीने के 7-8 दिन बुला लेते थे
और बस वो परी का गेटअप लेके अपने सारे डायलॉग बोल के आ जाते थे हम. तो ऐसा था कि 4 साल से चल रही है, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 2 साल के बाद मेरे को हो गया था अरे यार ये मेरी गवर्नमेंट जॉब है, बाकी शोज आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये चल रहा है अपना, सॉर्टेड है लाइफ में, मतलब मेरे थोड़े बहुत पैसे तो आ ही जाएंगे महीने के, निकल जाएगा काम. तो वो वाला सीन था. जब आप एक्टिंग करते हो तो चेंज ऑफ कैरेक्टर्स तो होते ही रहते हैं, अलग अलग चीजें करी मैंने, पर शिफ्ट सबसे ज्यादा तब हुआ था जब मैं टीवी के बाद सोशल मीडिया पे आ गई, जब टीवी मैंने टीवी से ब्रेक ही ले लिया, तो वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट था. तो आप टिकटॉक वीडियोस ज्यादा पसंद करती है बनाना या फिर प्रोफेशनली ऐसे वेब सीरीज वगैरह के लिए शूट करना ज्यादा पसंद करती है? नहीं, ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकती, दोनों चीज का अपना एक अलग टेस्ट है, अपना मजा है. ये कंपेयर तो नहीं मैं कर सकती. अभी अगर आप बोलो कि अगर एक माँ के 2 बच्चे हो तो ये वाला बच्चा पसंद है या वो वाला बच्चा पसंद है, तो बहुत डिफिकल्ट है ना उसके लिए. दोनों ही बच्चे प्यारे हैं, तो दोनों ही काम हमारे हैं, दोनों में ही उतना एफर्ट डालते हैं, तो मेरे लिए दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है. और एट द एंड ऑफ द डे मोटिव ये रहता है हम लोगों का, चाहे मैं अपनी वीडियोज बनाऊँ, मेरा कॉन्टेंट हो, या फिर जो मैंने हुज योर डैडी या हम कोई वेब सीरीज करें, किसी भी तरीके से मैं कुछ ऐसा किरदार करूँ जिससे लोग मुझसे प्यार करें, उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, बस. बिल्कुल बिल्कुल. मेरा एक क्वेश्चन था कि आप लोग किस बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस को एडमायर करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा आप लोगों को पसंद हो? सो स्टार्टिंग विद अनुष्का. मुझे बहुत सारे पसंद है. हाँ बोलो. स्टार्टिंग विद अनुष्का प्लीज. जनरली बोलूं तो आई एम आयुष्मान खुराना फैन, आई एम विक्की कौशल फैन, एंड मनोज वाजपेयी सर डेफिनेटली. एंड लड़कियों में बात करूं तो मुझे राजी मूवी में बहुत स्पेसिफिकली आलिया भट्ट की, दीपिका पाडुकोन की, तो काफी बहुत स्पेसिफिक वो है. प्रियंका चोपड़ा की स्पेसिफिकली इन काशी, कौन सा किलिंग इट, बाजीराव मस्तानी. हां, तो ये कुछ कैरेक्टर्स तो मतलब मैं ऐसी हूं कि दे आर आइकॉनिक कैरेक्टर्स. भाविन, योर कॉल. पदेश यार बहुत सारे एक्टर्स हैं, लेकिन आलिया भट्ट और वैसे मेरा फेवरेट एक्टर है जो रणबीर कपूर है. मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर लाइफ में अगर आर्टिस्ट बनना है तो रणबीर जैसा. अच्छा. क्योंकि यार वो हीरो भी दिखता है. वो हीरो है और हीरो होकर भी स्टार क्वालिटी यार एक्टिंग में, मतलब यार वो उनके खून में एक्टिंग दौड़ती है यार. मतलब यार मतलब समझ रहे हो, वो मेरा नाम जोकर के खानदान चाहते हैं यार. राज कपूर जी के खाना से तो I just admire him. उनको बर्फी से लेके, उनका रॉकस्टार से लेके, ये जवानी है दीवानी से लेकर, जग्गा जासूस से लेकर, आप उनके कोई भी तमाशा, कोई भी फिल्म उठा लो. तमाशा उनका कैलिबर अगर जब कोई मैच कर जाएगा ना, तब मैं मानूंगा कि हाँ बॉलीवुड में और इनके लेवल के एक्टर है. तो ही हैज अ डिफरेंट लेवल कैलिबर यार. वो बंदा इंस्टाग्राम पे भी नहीं, वो अपने एक्टिंग को लेकर इतना देखेगा, ये सबसे तो मेरा ध्यान हटेगा, मैं फुटबॉल खेलूंगा, मैं एक्टिंग करूंगा. फिर भी ऐसे कितने बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिनको जरूरत नहीं है पैसे वैसे कमाने की इंस्टाग्राम से, लेकिन वो लोग हैं फिर भी इंस्टाग्राम पे. लेकिन तो वो तो ऐसा बट अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रणबीर कपूर, उनको क्या जरूरत है यार, दे हैव गॉट सो मच. पर एज यू नो, पता है रणबीर कपूर भी ऐसे इंसान है जो अपने पैसों पे जी रहे हैं, मतलब उन्होंने खानदान का पैसा नहीं लिया है. जब उन्होंने जगह जासूस प्रोड्यूस भी की, तब भी उनका था कि उन्होंने लाइफ में जितना पैसा कमाया ना, जितना पैसा पूरा एक फिल्म में डाल दिया था प्रोड्यूस करने के लिए. क्योंकि उनको तब भी यही करना था कि यार मैं कुछ लाऊं बॉलीवुड में तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज लाऊं. कभी म्यूजिकल फिल्म नहीं बनी थी, उन्होंने म्यूजिकल फिल्म लाई जो इंडियन ऑडियंस समझ नहीं पाई. खैर उनको एंटरटेनमेंट चाहिए होता है. लेकिन अगर हम आप जैसे लोग अगर देखें जो इंडस्ट्री वाले हैं, हमें समझ आएगी फिल्म की का क्या मतलब, क्या लेवल उस फिल्म का, अनुराग बासु जी ने क्या काम किया. सही बात. तो समीक्षा, आपका कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस? यार मैं क्या बोलूं, जैसे कि अनुष्का ने बोला बहुत सारे एक्टर्स हैं फेवरेट, मेरे भी बहुत सारे. अब जैसे लंच बॉक्स हो गई वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स,
ठीक है, मुझे मतलब ऐसे जो एकदम नीचे से आई हुई फिल्म्स है ना, जो आपको रियलिटी हिट करती है बिल्कुल, वैसे ज्यादा पसंद आते हैं, वैसे कैरेक्टर। हाँ नीचे से आने का पता लो। तो वैसे वाले स्क्रिप्ट्स और वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत पसंद आते हैं। बट अगर एक एक्टर के बारे में बात की जाए, अगर मेरे क्रश या फिर जो भी आप बोलो उसकी बात करी जाए, तो मैं शाहिद कपूर है, क्योंकि उन्होंने भी मतलब बहुत मतलब एक लो लेवल से स्टार्ट करके एंड ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। तो दैट इज व्हाट आई एम आल्सो ट्राइंग टू डू। कोई हेल्प नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, अपने आप से किया है सब कुछ। सुनो, उनको देख के शाहिद कपूर पंकज कपूर के बेटे हैं। मुझे पता है और मैं राधा स्वामी हूँ, वो भी राधा स्वामी है। ठीक है, तू मत सुना मुझे, मुझे उनकी अगली पिछली सब पता है। ठीक है, रहने दे, मुंह बंद रख शाहिद कपूर के मामले में, मेरा क्रश है वो। बहुत ज्यादा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, उन्होंने ऐश्वर्या राय के पीछे डांस किया, पता है ना यार, स्ट्रगल 101। क्या बोल, छोड़ो। चलो, लेट इट बी, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत नहीं, अभी वी हैव टू रैप दिस, एंड बहुत ज्यादा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, एंड थैंक यू सो मच। एक बार फिर मैं ऑडियंस से बोल देना चाहता हूँ कि प्लीज फैमिली के साथ देखिए हुज योर डैडी ऑन बालाजी पे। Exactly, फैमिली के साथ देखिए, फैमिली के साथ देखिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज, थैंक यू, बाय। मजा आया, Yeah, sure. Thank you.